गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, आशा करता हूँ मैं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और गेस्ट स्टूडेंट से प्रॉपर स्टूडेंट्स बनने की कोशिश होगी आपकी। और इस लेक्चर में, इस सीरीज में हम जो सेल पढ़ रहे हैं, आज का लेक्चर हमारा सेल वॉल के ऊपर होगा और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर में भी छोटा छोटा लेक्चर रहेगा। और आज अगर आप YouTube चैनल खोलेंगे तो मेरे चैनल का लोगो और नाम भी थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि नाम मेरा वहाँ कोलंबस वर्मा था और मैंने लोगो जो है अलग लगाया था बायोब्लास्ट का, लेकिन बायोब्लास्ट के नाम से और भी चैनल्स हैं और चीज़ें थी, यूनिकनेस नहीं था उसमें, तो मुझे चेंज करना पड़ा। और ऑब्वियस ही बात है कि मैं अपने नाम को अभी हटा दिया हूँ वहाँ से, अभी वो नीट क्वालिफायर के नाम से हो गया। ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ऑल्सो, कमेंट ऑल्सो वेन नीडेड। सेल वॉल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल जो सेल होती है, यहाँ पे सेल वॉल होता है क्या? नहीं होता है ये, ठीक है। सेल वॉल इसके अलावा कहाँ देखने को मिलती है? बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में। इसके अलावा और कहाँ देखने को मिलती है? फंगल सेल में, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ देखने को मिलती है? प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, समझ रहे ना? नेचर अलग अलग होगा। प्लांट्स का मतलब इसमें एल्गी भी आ जाएगा अगर हम कंसिडर करते हैं तो, ठीक है। एल्गी सब में अलग अलग नेचर होता है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल आपको मिलेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, समझ रहे ना? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो अगर हम प्लांट किंगडम, सॉरी, जब हम फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पे एक किंगडम है प्रोटिस्टा करके, तो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स में जो होंगे उसमें सेल वॉल होगी और कुछ में सेल वॉल नहीं होगी। रीजन क्या है? क्योंकि तो प्रोटिस्टा का सेपरेशन ही वैसे ही हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इसमें थे जो कुछ कैरेक्टर एनिमल की तरह रखते थे, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें ऐसे थे उनका कैरेक्टर कुछ कुछ प्लांट से मिलता था, तो उनको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया। इसीलिए प्रोटिस्टा वाले क्या होते हैं? सारे यूकेरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम पढ़ेंगे किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तब वहां पढ़ेंगे। ये चीजें क्लियर है? ओके, तो सेल वॉल का मेन फंक्शन जो होता है ना, प्रोटेक्शन होता है। मेन फंक्शन जो होता है सेल वॉल का क्या होता है? सेल का प्रोटेक्शन। एनिमल सेल के केस में सेल वॉल के अब्सेंट होने का एक इम्पॉर्टेंट, मतलब मेन रीजन है कि जो एनिमल सेल होती है वो क्या होती है? मोटाइल होती है। यूजुअली मोटाइल है, तो भाई प्रोटेक्शन के लिए भाग जाएंगे अपने लोकेशन से, लोकेशन शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन प्लांट सेल, चाहे फंजाई हो गया, ठीक है, या प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, ये सब मोटाइल नहीं होते हैं, मोबाइल नहीं होते यूजुअली, तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया मोबाइल होते हैं फिर भी सेल वॉल होती है। रीजन उसका हमने बताया कि ऐसी कंडीशन में रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, बहुत सारे हैबिटेट है डिफरेंट टाइप्स के, तो वहां पे क्या चीजें उनके ऊपर आ रही हैं, ठीक है, किस एसिड में बात कर रहे हैं, किस सेलेन कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, इसलिए वहां पे प्रोटेक्शन दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो चलते हैं यहाँ पे, कुछ देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है सेलवाल के बारे में। सो एज यू मे रिकॉल, नॉन लिविंग रिजिड, देखिए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है। फंजाई एंड प्लांट्स मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया, लेकिन हम क्यों? क्योंकि हम यूकेरियोट पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोकेरियोट में बैक्टीरिया था, लेकिन हमने ओवरऑल बताया आपको कि प्रोकेरियोट के बैक्टीरियल के सेल में भी आपको सेल वॉल मिलती है, जिस जो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन की। तो ये यूकेरियोट है, इसलिए केवल फंजाई और प्लांट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? नॉन लिविंग होता है पहले याद रखना है, नहीं तो यहीं पे दे देगा कि सेल है, सेल में बोल देगा लिविंग स्ट्रक्चर है। ये ध्यान रखिएगा, यूजुअली कोई भी पार्ट सेल का या हमारी बॉडी का, यूजुअली जो भी पार्ट प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन के लिए बना होता है ना, उसका नेचर यूजुअली क्या हो जाता है? नॉन लिविंग हो जाता है, ठीक है, या जिसको बोल दें डेड। लिविंग रहेगा तो उसका काम प्रोटेक्शन का अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसको मार दिया जाता है नेचुरली, ठीक है। वो बनती रहती, सेल बन जाती है, फिर उसके बाद उसका जो
प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म है ना वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तभी वो प्रोटेक्शन सही से कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल भी क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है और नॉन लिविंग है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर की कवरिंग है सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे फंजाई और प्लांट के केस में मिलता है। और ये क्या काम करता है, हमने पहले भी पढ़ा था, ये सेल को ना शेप देता है, एक पर्टिकुलर शेप देता है। ठीक है, पर्टिकुलर शेप देता है, तो प्रोटेक्शन हो गया, रिजिड हो गया, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर है और आउटर कवरिंग है किसकी, आउटर कवरिंग है किसकी, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, क्लियर हो गया। एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ये प्रोटेक्शन है हमने यहाँ बता दिया, ये पहला पॉइंट यही है। ठीक है, नॉन लिविंग डेड, क्लियर है कि नहीं। और पाया कहाँ कहाँ जाता है, ध्यान रखना है, यही सब पॉइंट ध्यान रखना है। यू कैरियोट्स के केस में हम पढ़ रहे हैं ना, यू कैरियोट्स के केस में, तो यू कैरियोट्स में कहाँ पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है बेसिकली और प्लांट्स में, ये बेसिकली है। ठीक है, अगर प्रोटिस्टा में किसी में दिखा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है कि नहीं। ओके, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको हम बता रहे हैं भाई, जब आएगा वहां पे प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, वहां कुछ रहेगा तो वहां ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या करता है, ये शेप देता है, शेप सेल को क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए लिखा है ना, प्रोटेक्ट तो ये हमने पहले दे दिया है, प्रोटेक्शन और नॉन लिविंग, तो इसको हम बोल देते हैं पहला, और सेफ देने के बाद प्रोटेक्शन हो गया, तो चौथा पांचवें नंबर पे आपका प्रोटेक्शन आ गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिकल डैमेज से जो होता है ना प्रिवेंट करता है। मैकेनिकल का मतलब मैकेनिकल इंजरी, अगर फिजिकल इंजरी हो रही है, मैकेनिकल इंजरी हो रही है तो उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, मतलब यहीं से निकला हुआ होता है, दूसरी सेल से जुड़ा हुआ है, तो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। तो छठवां पॉइंट हो गया सेल टू सेल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। और बैरियर की तरह काम करता है, तो ये तो बाहर है, कवरिंग है, तो बैरियर की तरह काम करेगा, तो ध्यान रखना है बस ये सब पॉइंट्स, क्लियर है कि नहीं। एल्गी के केस में भी सेल वॉल होता है, देखिए क्या है, एल्गी हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट का भी जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, तो एल्गी में भी सेलुलोज से बना है, गैलेक्टन से बना है, मैनन से बना है, एंड इसके अलावा मिनरल्स होते हैं इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है, ये देखिए ध्यान रखना है, एल्गी के केस में सब सारा है ना, अगर हम इसको रब कर दें सिस्टम को, सिस्टम को रब कर दें, ध्यान रखना है, सेलुलोज का मोनोमर क्या है पता है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो बताएंगे। सेलुलोज, सेलुलोज किसका बना हुआ है, ये पॉलीमर है, पॉलीमर में भी कौन सा है, होमो पॉलीमर है, होमो का मतलब एक ही टाइप का इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसको हम डिलीट मार देते हैं, क्या है ये, होमोपॉलीमर। ठीक है, बना किससे होता है, ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है, तो मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है इसका। ठीक है, सेलुलोज का। ओके, तो यहां बोल रहा है कि एल्गी, एल्गी की जो सेलवाल है उसमें क्या क्या होता है, एक तो आपका सेलुलोज हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप्स की एल्गी होती है ना भाई, उसके लिए बात कर रहा है। मैनन्स हो गया, सारे सुगर ही हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गैलेक्टन्स हो गया, इसके अलावा मिनरल्स होता है जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है कि एल्गी केस में हो गया। प्लांट के केस में अगर ये बोलते हैं तो प्लांट के केस में आपका सेलुलोज तो है, ठीक है, सेलुलोज तो है, सेलुलोज के अलावा और क्या हो सकता है, हेमी सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इसका हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां पे जो स्ट्रक्चर आएगा देखेंगे, पेक्टिन है, मतलब पेक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं स्पेशली मिडिल लैमेला में जो पाया जाता है, तो यहाँ पर भी होता है, पेक्टिन्स होती हैं, उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं।
ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्लान के केस में ये जो माइनन्स हैं कलेक्टन से ये नहीं दिया हुआ है तो नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ प्रॉपरली मेंशन किया है। ठीक है कि प्लान के केस में जो सेल वॉल होती है सेलुलोज होती है, हेमी सेलुलोज की होती है, पेक्टिन एंड अदर प्रोटीन्स का बना होता है। तो जस्ट ये डिफरेंस ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा, बस यू नीड टू रिमेम्बर दिस फ्यू पॉइंट्स। ओके ओके। अब सेल वॉल, अगर यंग सेल वॉल है, मान लीजिए अभी सेल बन रही है, डेवलपिंग सेल में, डेवलपिंग या ग्रोइंग सेल की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो अचानक से सेल वॉल पूरी रिजिड तो हो नहीं जाएगी। मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बाहर एक लेयर बनाइए, मान लीजिए ये आपका अंदर जो है ये क्या है, अंदर जो है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मान लीजिए सेल है भाई, यूकैरियोटिक सेल बना लिया है हमने, न्यूक्लियस बना दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। अभी ये ग्रोइंग सेल है, अभी ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, ठीक है, अभी ये पहला स्ट्रक्चर है। अब दूसरा, सेल और ग्रो कर गई, ठीक है, सेल और ग्रो किया तो सेल का साइज भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, और उसके बाद ये आपका एक सेल जो हम बनाए थे उधर, ये बना, देखिए नजदीक ही रहेगा, इतना दूर नहीं रहता है, इसके ऊपर ना एक और सेल बनती है, मतलब ये सेम ही रहेगा, इसको अच्छा हम अलग अलग कलर से दिखाते हैं, एक सेकेंड रुकिए, ये प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी को हम ऊपर रखते हैं, बनाने का पर्पज है कुछ, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए लाल से हम एक और नीचे बना रहे हैं, ऐसे ही पूरा आप डट डट करके ना पूरा ये खींच लीजिएगा ऐसे, ठीक है। सो ये तो अभी हमने बताया था, ये कौन सा है, ये क्या है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। ये लाल वाला जो बना है ये क्या है, लाल वाला ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। इसके बाद जब सेल और ग्रो करती है, सेल और ग्रो कर जाती है, मतलब सेल का साइज अब लगभग इतना ही रहेगा, लेकिन अब इसको और प्रोटेक्शन की नीड होगी क्योंकि अब मेच्योर हो रही है सेल, ठीक है। तो पहला लेयर ये हो गया, सबसे बाहर चला जाएगा, दूसरा लेयर ये हो गया, और तीसरा लेयर जो है ना, तीसरा लेयर बाबूजी ये आएगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम दिखाएं ना, तो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अंदर की साइड में कटिंग होती है, ये ध्यान रखना है, जो प्राइमरी सेल वॉल होगी ना सबसे बाहर होगी, ठीक है, टर्शियरी जो होगा सबसे अंदर होगा। जब ये तीन तक ही नॉर्मली होता है, तीन तक हो जाएगा तो ये एक्चुअल में मैच्योर हो जाता है। अब यहाँ पे रिजिडिटी आ जाएगी, समझ में आएगी नहीं, अब रिजिडिटी आ जाएगी, तो ये और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहेगा, तो बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैपेबल, जो ग्रोथ के लिए कैपेबल है इन जनरल, वो कौन सी सेल होगी, कौन सी सेल होगी कैपेबल जो होगा, वो प्राइमरी सेल होगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है कि नहीं इतनी चीजें। तो ये तो बहुत बेसिक सा सेल वॉल में, देखिए स्ट्रक्चर में ना डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी है कैसे फॉर्मेशन होता है और क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही है। और यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल दिखाया है ना, तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, तो इसमें दो तीन लेयर बन जाती है, समझ रहे ना, और लास्ट में जो लास्ट मतलब एकदम से जब सेल मेच्योर हो जाती है तब जाके ये वाला लेयर बनता है एक, इसको हम क्या बोल देते हैं, टर्शियरी। तो टर्शियरी हमेशा सबसे क्लोज में होता है, लेकिन प्राइमरी सबसे बाहर होगा, जिसमें कैपेसिटी होती है डिवीजन की, ठीक है। सेकेंडरी में डिवीजन की इंजन कैपेसिटी नहीं होती, वो ग्रो करता जाता है, लास्ट में वो सेल पुश कर देता है, तो सेकेंडरी का ही जो सेकेंडरी जो सेल वॉल है ना, वही कन्वर्ट हो जाती है, सबसे जो एकदम इनर लेयर होती है टर्शियरी में कन्वर्जन हो जाता है उसका, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब केवल प्राइमरी में ही डिवीजन की कैपेसिटी है तो नीचे जो ग्रोथ हो रहा है वो किससे होगा, प्राइमरी से ही होता जाएगा ना, तो उसी में से एक सेल कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम लास्ट में टर्शियरी बोलते हैं, और वो सबसे लास्ट स्टेज होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच इज ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मेच्योर्स
एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्मड ऑन द इनर और टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द वॉल। तो ये सेकेंडरी वॉल की जो बात कर रहा है ना, ये यहाँ टर्सरी नहीं दिया है, अल्टीमेटली एक्चुअल में मेनली यही होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी में कई लेयर होती है और सबसे लास्ट की जो प्लाज्मा के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लेयर होती है, इसी को हम टर्सरी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। मतलब जब एकदम से मेच्योर हो गई सेल की, मतलब अब इसके बाद डिवाइड नहीं हो पाएगी, इसके बाद इसका साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो प्रॉपर रिजिडिटी आ जाती है, तो ये ध्यान रखना है। ग्रेजुअली डिमिनिशेस, मतलब ऐसे का ऐसे नहीं पड़ा रहता है, डिविजन होता जाता है और डिमिनिश होता जाता है, ठीक है। मिडिल लैमिला ये एक लेयर होता है, ये किससे बना होता है, ये कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। ये क्या होता है, मिडिल लैमिला एक्चुअली में क्या बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है, जैसे सीमेंट होता है ना घर बनाने के लिए, तो वैसे ही ये फंक्शन करता है, क्या होता है, ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, सीमेंटिंग मटेरियल, क्लियर है। अरे जैसे घर में ईंट के बीच में सीमेंट लगाते हैं ना, वैसे ही मिडिल लैमिला काम करता है, बस ये दो सेल के बीच में होता है, जुड़ने का काम करता है। देख लीजिए, द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ये हमने बताया, विच होल्ड्स और ग्लूज, मतलब जोड़ के रखता है द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टूगेदर। सी, जैसे एक सेल का हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया प्रॉपरली, प्लांट सेल मान लीजिए हमने ऐसा दिखाया आपको, दूसरा सेल का स्ट्रक्चर ऐसे है सपोज, ठीक है, हमने ये बनाया, तीसरा सेल का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, तो दूसरा सेल भी तो बन रहा है ना, ये इसका जो सेलवाल होगा और इसका सेलवाल जुड़ेगा कैसे, भाई दोनों का सेलवाल यहाँ चाहिए नहीं, मोटा सा जो है ऐसे, ठीक है, हमने पढ़ा है पहले। तो ये जो बीच में यहाँ पे ऐसे दो सेल के बीच का स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे, तो इसके बीच में कुछ तो होगा ना जो जोड़ने का काम करेगा, तो इसके बीच में होता क्या है, इसके बीच में ऐसे मटेरियल होता है जो दोनों सेलवाल को, दोनों सेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इधर से भी सेलवाल हो गई और इधर से भी सेलवाल हो गई, बीच में क्या आया, मिडिल लैमिला, बना किससे है, कैल्शियम पेक्टेट से, क्लियर है। सो यही है सेलवाल, एंड द मिडिल लैमिला मे बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये है, तो हमने सेल का इमेज जो देखा था, यहां दिखा देते हैं आपको, ये दिखाया ना, यहाँ पे इमेज हम बनाए थे, बना हुआ है मिडिल लैमिला, कहाँ है ये आपको इसे ही दिखा देते हैं। सी, ये बीच में है ना, देखिए जो लाइन बीच में दिखाया है लाइन, ये क्या है, मिडिल लैमिला है। यही किससे बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से, किससे बना है, कैल्शियम पेक्टेट से, समझ रहे ना। और ये ट्रैवर्स का मतलब ओपनिंग, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे देखिए ये होल दिखाया हुआ है, हम इसको बोले भी थे ये क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा, तो क्या है, सेल टू सेल कनेक्शन का काम करता है, क्लियर है। एक सेल से दूसरी सेल जो नेबरिंग सेल है, स्पेशली नेबरिंग सेल्स के लिए ये कनेक्शन का काम करता है, क्लियर है, ओके, क्लियर है ना भाई, ठीक है। विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, क्या काम है, कैसे होता है। और अगर हम फंजाई अभी यहाँ पढ़ नहीं रहे, लेकिन फंजाई की अगर बात करते हैं हम सपोज, तो फंजाई में जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, बेसिकली काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और हम बैक्टीरिया के केस में पहले ही पढ़े हैं, नहीं तो फिर से पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया आएगा, तो इसके केस में जो होता है, क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और पेप्टिडोग्लाइकन में दो स्पेशल टाइप के जो शुगर्स होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, पेप्टिडो या पेप्टाइडो या पेप्टिडो, जो पढ़ना है आप पढ़िए, ग्लाइकन। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, नाम एंड नाग होता है, बेसिकली नागराज, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। और इनके बीच में, पूरी सेलवाल में इनके बीच में जो होती है ना, क्रॉस लिंकिंग होती है, क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग। तो ये प्रोटेक्ट भी करता है सेलवाल, और इसी पे जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक होता है ना, तो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, इनकी क्रॉस लिंकिंग को ही क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे ये ब्रेक करता है,
क्या होता है, सेल वॉल डैमेज जाती है और जो एंटीबायोटिक्स या जो उनके उनकी इंटीग्रिटी जो होती है लूज हो जाती है। इंटीग्रिटी लूज होते ही क्या हो गया, सेल डाई, सेल डेथ हो जाती है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और इसी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो उनके सेल वॉल में डिफरेंसेस हमने पढ़ा है, ग्राम स्टेनिंग वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, लिपिड कंटेंट कहाँ पे, सेल वॉल में। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होता है, हाई होता है, लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है, लिपिड कंटेंट जो होता है ना बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका ग्राम स्टेनिंग होता है तो जो क्रिस्टल वायलेट का कलर है रिटेन करके रख लेता है, और निगेटिव वाले में क्या होता है जब एल्कोहल हम यूज करते हैं वॉशिंग के टाइम पे तो इसको क्या करता है, डिजॉल्व करके खत्म कर देता है और ये जो है स्टेन को रिटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग का वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, आपके काम की चीज है, समझ लेंगे।